दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो भारत में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब, बी सोनपुर बिहार, सी आगरा उत्तर प्रदेश, डी देहरादून उत्तराखंड। क्वेश्चन एक का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ मंदिर, बी कैलाश मंदिर एलोरा, सी स्वर्ण मंदिर अमृतसर, डी नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर दो का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद, बी हाजी अली दरगाह, सी मोती मस्जिद, डी जामा मस्जिद दिल्ली। क्वेश्चन तीन का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा नदी डेल्टा, बी सुंदरबन डेल्टा, सी डल झील डेल्टा, डी पवई झील डेल्टा। क्वेश्चन चार का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कोलकाता। क्वेश्चन पाँच का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ऑप्शन ए डोरी गुंबद, बी चोर गुंबद, सी गोल गुंबद, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन छः का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोल गुंबद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी गुजरात, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन सात का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहगढ़ साहिब पंजाब, बी शीशगंज साहिब दिल्ली, सी स्वर्ण मंदिर अमृतसर, डी श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर। क्वेश्चन आठ का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ये हमारा अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए क्राइस्ट चर्च, बी सेंट फ्रांसिस, सी सेंट कैथेड्रल गोवा, डी बललार पदम चर्च। क्वेश्चन नौ का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेंट कैथेड्रल गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। क्वेश्चन दस का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्यारह है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए नेहरू प्लेनेटोरियम, बी गुवाहाटी प्लेनेटोरियम, सी इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम, डी बिरला प्लेनेटोरियम। क्वेश्चन ग्यारह का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिरला प्लेनेटोरियम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी यमुना नदी, सी ताप्ती नदी, डी रावी नदी। क्वेश्चन 12 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। क्वेश्चन 13 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर झील राजस्थान, बी थोल झील गुजरात, सी डीडवाना झील राजस्थान, डी चिल्का झील उड़ीसा। क्वेश्चन 14 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है?
ऑप्शन ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी गौरी बांध। क्वेश्चन 15 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये प्रैक्टिस सेट की आंसर शीट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।